हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं टॉप 10 क्रिकेट स्टेडियम्स इन पाकिस्तान 2021। मिस्टर कामरान यूट्यूब चैनल की तरफ से ये वीडियो है, इनको जाके ज़रूर चेकआउट करना। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इनके चैनल पर अच्छे होते हैं, तो देखते हैं। हियर वी गो। डिस्क्लेमर, नो ऑफेंस। तो व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है आज की इस टॉप 10 क्रिकेट स्टेडियम वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के टॉप 10 क्रिकेट स्टेडियम्स के बारे में। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि ये स्टेडियम कहां पर लोकेटेड है, इनके ओनर कौन है, इन स्टेडियम्स की सीटिंग कैपेसिटी क्या है और इनको कब इस्टेब्लिश किया गया। तो वीडियो के सभी फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहली बार देखने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट स्टेडियम चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को, लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 10, पाकिस्तान में नंबर 10 पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है जिना स्टेडियम गुजरांवाला। ये स्टेडियम लोकेटेड है गुजरांवाला सिटी में और इस स्टेडियम के ओनर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस स्टेडियम को 1980 में इस्टेब्लिश किया गया और अगर बात की जाए इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस स्टेडियम में 20,000 स्पेक्टेटर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी है। इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस स्टेडियम में सिर्फ एक ODI मैच 1991 में पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के दरमियान खेला गया। इसके अलावा फर्स्ट ODI मैच 1982 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान खेला गया और लास्ट ODI मैच 2000 में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान खेला गया। इंडिया पाकिस्तान में मैच खेल चुकी है। नंबर 9, पाकिस्तान में नंबर 9 पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम। ये स्टेडियम लोकेटेड है शेखुपुरा सिटी में और इस स्टेडियम के ओनर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस स्टेडियम को बाहर से कितना प्यारा लग रहा है। और अगर बात की जाए स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी की, तो स्टेडियम में 15,000 के लिए सीटिंग कैपेसिटी है। इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस स्टेडियम में फर्स्ट टेस्ट मैच 1996 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया। लास्ट टेस्ट मैच 1997 में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया। इसके अलावा फर्स्ट ODI मैच 1998 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान और लास्ट ODI मैच 2008 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया। जिम्बाब्वे के दरमियान, जिम्बाब्वे से बहुत मैच खेलती पाकिस्तान। पाकिस्तान में नंबर 8 पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है बुगटी स्टेडियम। ये स्टेडियम लोकेटेड है क्वेटा सिटी। क्या ब्यूटीफुल है ये तो। और इस स्टेडियम के ओनर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस स्टेडियम को 1954 में एस्टैब्लिश किया गया। और अगर बात की जाए स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस स्टेडियम में 15,000 स्पेक्टेटर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी है। इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस स्टेडियम में सिर्फ एक ODI मैच खेला गया और ये मैच 1996 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया। बर्फ गिरती है। नंबर 7, तो बहुत ब्यूटीफुल, इसे मैच होना चाहिए। पाकिस्तान में नंबर 7 पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद। यहाँ तो बहुत मैच हुए होंगे फैसलाबाद सिटी में और इस स्टेडियम के ओनर है फैसलाबाद सिटी क्रिकेट। इस स्टेडियम को 1978 में एस्टैब्लिश किया गया। और अगर बात की जाए स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें 18,000 स्पेक्टेटर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस स्टेडियम में फर्स्ट टेस्ट मैच 1978 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान खेला गया और लास्ट टेस्ट मैच 2006 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान खेला गया। इसके अलावा फर्स्ट, एक सेकंड पॉज करने के लिए सॉरी, लेकिन ये स्टेडियम में मैंने शायद मैच देखा है, क्योंकि मैं ये जो पेप्सी का लोगो बना हुआ है ना सिटिंग में, वहाँ वो देख के लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पेप्सी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है और इस तरह का मैंने देखा था, मतलब पेप्सी का इनकी जो सेटिंग रहती है वहाँ पर। हाँ, तो हो सकता है देखे हो। इंडिया से ही मैच हुआ ना, 2006 में भी हुआ है तो वो देखा होगा पक्का। हो सकता है और ODI भी हुए होंगे, ये तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बता रहे हैं, तो हो सकता है ODI भी हुए हों। हाँ, चलो आगे देखते हैं। ODI मैच 1984 में पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया और लास्ट ODI मैच 2008 में पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के दरमियान खेला गया। नंबर 6, पाकिस्तान में नंबर 6 पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। रावलपिंडी, ये स्टेडियम लोकेटेड है रावलपिंडी सिटी में और इस स्टेडियम के ओनर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस स्टेडियम को 1992 में एस्टैब्लिश किया गया और अगर इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी को देखा जाए, तो स्टेडियम में 15,000 स्पेक्टेटर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस स्टेडियम में फर्स्ट टेस्ट मैच 1993 में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया, लास्ट टेस्ट मैच 2020 में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान खेला गया, फर्स्ट ODI मैच 1992 में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान खेला गया,
लास्ट ओडीआई मैच 2020 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया। जिम्बाब्वे से कितने मैच है देख? इसके अलावा फर्स्ट टी20 मैच 2020 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान और लास्ट टी20 मैच भी 2020 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया। नंबर 5 पाकिस्तान में नंबर 5 पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। ये स्टेडियम मुल्तान के ओनर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लग रहा गेट इस स्टेडियम को 2001 में एस्टेब्लिश किया गया। अगर बात की जाए स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी की नया तो स्टेडियम में 30,000 स्पेक्टेटर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। क्या बात बड़ी कैपेसिटी बड़ी। इस स्टेडियम में फर्स्ट टेस्ट मैच 2001 में पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के दरमियान खेला गया। लास्ट टेस्ट मैच 2006 में पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला गया। विंडीज इसके अलावा फर्स्ट ओडीआई मैच 2003 में पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के दरमियान और लास्ट ओडीआई मैच 2008 में पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के दरमियान खेला गया। बांग्लादेश नंबर 4 नंबर 4 में नंबर 4 पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बहुत खूबसूरत यार ये स्टेडियम लोकेटेड है कराची और इस स्टेडियम के ओनर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस स्टेडियम को 1955 में एस्टैब्लिश किया गया और अगर बात की जाए स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी की तो इस स्टेडियम में 34,000 स्पेक्टेटर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस स्टेडियम में फर्स्ट टेस्ट मैच 1956 में पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के दरमियान खेला गया। लास्ट टेस्ट मैच 2019 में पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के दरमियान खेला गया। फर्स्ट ओडीआई मैच 1980 में पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के दरमियान और लास्ट ओडीआई मैच 2019 में पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के दरमियान खेला गया। इसके अलावा फर्स्ट टी20 मैच 2008 में पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के दरमियान और लास्ट टी20 मैच 2018 में पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला गया। नंबर 3 पाकिस्तान में नंबर 3 पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है कजाफी स्टेडियम। ये स्टेडियम लोकेटेड है लाहौर सिटी में और इस स्टेडियम के ओनर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस स्टेडियम को 1959 में एस्टैब्लिश किया गया यार ये भी। और अगर बात की जाए स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी की कराची के बाद तो 27,000 कैपेसिटी काफी बड़ा है। सीटिंग कैपेसिटी है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये चाचा बहुत पॉपुलर है। मैच 1959 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। लास्ट टेस्ट मैच 2009 में पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के दरमियान खेला गया। फर्स्ट ओडीआई मैच 1978 में पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के दरमियान और लास्ट ओडीआई मैच 2015 में पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया। इसके अलावा टी20 मैच 2015 में पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया और लास्ट टी20 मैच 2020 में पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के दरमियान खेला गया। कितना ब्यूटीफुल है यार। नंबर 2 में छोटे छोटे स्टेडियम और पाकिस्तान में नंबर 2 का क्रिकेट स्टेडियम है वो है अरबाब नियाज स्टेडियम। लोकेटेड है पिशावर सिटी में और इस स्टेडियम के ओनर है स्पोर्ट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा। की 3D है। इस स्टेडियम को 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था लेकिन अभी इस स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है। अगर बात की जाए स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी की तो बोर्ड स्ट्रक्चर के साथ इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 20,000 स्पेक्टेटर्स की है लेकिन अपग्रेड होने के बाद इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी बढ़कर 25,000 स्पेक्टेटर्स के लिए हो जाएगी। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस स्टेडियम में फर्स्ट टेस्ट मैच 1995 में पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के दरमियान खेला गया। लास्ट टेस्ट मैच 2003 में पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के दरमियान। इसके अलावा फर्स्ट ओडीआई मैच 1984 में पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के दरमियान और लास्ट ओडीआई मैच भी 2006 में पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के दरमियान खेला गया। नंबर 1 पाकिस्तान में नंबर 1 पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है रफी क्रिकेट स्टेडियम। रफी क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड है कराची सिटी में और इस स्टेडियम के ओनर काम चल रहा है ग्रुप। ये स्टेडियम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बेरिया टाउन के बाद इस स्टेडियम को पब्लिकली ओपन कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी की तो कंप्लीट होने के बाद सीटिंग कैपेसिटी 50,000 स्पेक्टेटर्स की होगी और कंप्लीट होने के बाद ये स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम होगा। तो ये थी आज की वीडियो पाकिस्तान के टॉप 10 क्रिकेट स्टेडियम्स के बारे में। बनेगा कितना प्लान कितना बड़े बनाया उसको बहुत बढ़िया प्लान बहुत गजब का है। स्टेडियम इंडिया में बना है गुजरात में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा बहुत है बड़ा बना है वो लार्जेस्ट एशिया का लार्जेस्ट ऐसा कुछ बनाया ना नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉरी वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम बना हुआ है। बट ये स्टेडियम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे ब्यूटीफुल बहुत लगे और बाहर का जो स्ट्रक्चर था जो दिखाया गया 3D मैप वो बहुत अच्छा लगा और जो दूसरे भी स्टेडियम में जो बाहर का जो मेन डोर बताया
वो बहुत हिस्टोरिक सा लगा थोड़ा अच्छा. मुल्तान का जो देखा था हमने कुछ कुछ लोकेशंस पे जहाँ पे वो बर्फ गिर रही थी वो वाला कि सफेद चादर में हो गया पूरा वो. पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में बनना चाहिए स्टेडियम, मजा आ जाए. एक हमने देखा था ना वो कौन सा था वो ग्वादर का पता नहीं कहाँ का था. हाँ वो पर वो बहुत प्यारी लोकेशन, बहुत प्यारी लोकेशन, पीछे पहाड़ दिख रहे थे, बहुत बढ़िया लोकेशन था. वो वाला इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो इंटरनेशनल मैच के लिए नहीं है शायद. बिल्कुल बिल्कुल. बट हाँ स्टेडियम बहुत अच्छे और ज़्यादातर स्टेडियम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही है. और एक जो बाहरिया टाउन वाला बन रहा है वो तो बहुत ही खतरनाक बन रहा है. वो जब बन जाएगा तो देखेंगे, उस पर भी करेंगे रिएक्शन. 22 तक रेडी हो जाएगा वो. तो गाइस आप बताओ कैसे लगा आपको ये वीडियो. अच्छे लगे तो करें लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मेक लव नॉट वॉर.